नमस्कार, राज्यसभा टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इन दिनों लगातार हम आपसे इसी माध्यम से जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि 21 दिन के लॉकडाउन में आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। इस वायरस से तो आपको अपना ख्याल रखना ही है, साथ ही कुछ इस तरह के वीडियो से भी आपको अपना ख्याल रखना है जो गलत हैं, भ्रामक हैं और तथ्यहीन हैं। ऐसी कुछ वीडियोस इन दिनों सर्कुलेट हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। जो दाम पहले मिला करते थे उससे कहीं ज़्यादा महंगी ये सब्जियां हो गई हैं। हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं इस तरह की वीडियोस की रियलिटी को जानने के लिए, और एक सब्जी विक्रेता भी है यहाँ। आप देख रहे हैं कुछ लोग सब्जियां भी खरीद रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी यहाँ पे आइए सर, क्या नाम है आपका? संतराम। ये बताइए कि असल में सब्जियों के दाम कितने महंगे हो गए, क्योंकि कहा जा रहा है सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो रेट पहले चल रहे थे वही रेट अभी भी चल रहे हैं। कुछ नहीं है, मोदी जी की अच्छी पहल है। ये तो नहीं है, जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। लोग तो कह रहे दाम बहुत बढ़ गए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब्जियां वैसी मिल रही है, वैसे जो रेट पहले मिल रहे थे वैसे अभी भी मिल रही है। ठीक है, तो ये तो सब्जी बेचने वाले हैं और ये मान भी सकते हैं कि शायद ये जानबूझ के इस तरह की बात कर रहे हो, लेकिन जो खरीदार हैं उनका अनुभव जानने की कोशिश करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की सब्जियां उनको बाजार में कैसे मिल रही हैं। मैम थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज। मैम क्या नाम है आपका? नीमा जी, बताइए कि सब्जियों के दाम कितने बढ़े हुए हैं इन दिनों? खास नहीं है, जैसे पहले मिलते थे वैसे ही मिल रहे हैं। नहीं, कुछ वीडियोस हम देख रहे हैं इन दिनों सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि देखिए सब्जी के दाम बहुत बढ़ गए हैं, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। आप तो गृहिणी हैं, सब्जी पहले भी खरीदती होंगी, कितना फर्क है? हमारे तो ये घर के पास में दुकान है, अपनी यहीं से लेते हैं, और मैं तो कोई खास रेट नहीं, वैसे ही जैसे पहले देते थे। और ये पीछे से सामान आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मिल जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से जो व्यवस्था की जा रही है, मोदी सरकार जो दावे कर रही है, उन दावों को कितना सही पाती हैं आप? बहुत अच्छा सही कर रखा है मोदी सरकार ने, और कोई चीज़ की कमी नहीं है। सब राशन दुकानें खुली हुई हैं, खुली हुई है, यही चाहिए हमें। और जी तो आपने विक्रेता को भी सुना और क्रेता को भी सुना, और ये लगातार कहा जा रहा है कि जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उन दावों को फुलफिल कर रही है गवर्नमेंट, और इस तरह की कोई दिक्कत अभी मार्केट में नहीं है। आपको आसानी से सब्जी भी मिल रही है, दूध भी मिल रहे हैं और फल भी मिल रहे हैं, और उन्हीं दामों पर जिसमें पहले आपको मिला करते थे। यानी कि वो वीडियो बिल्कुल तरीके से गलत हैं जो आपको ये बता रही हैं और समझा रही हैं कि सब्जियों के दाम आसमान में पहुँच गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।